सामने। वालेकुम अस्सलाम। बैठू। अरे यहाँ आज आज बेटा। चल माशाल्लाह आपकी बेटी तो बहुत प्यारी है। शुक्रिया बेटा। पढ़ाई कैसी जा रही है तुम्हारी? हाँ मुझे ठीक जा रही है। एग्जाम्स होने वाले हैं, बस उसी की तैयारी चल रही है। और इसी फील्ड में अपना कैरियर बनाओगी? जी मैंने सोचा है कि स्टडी कंप्लीट होने के बाद मैं अपना बुटीक ओपन करूंगी। इनके भाई का बस चले तो इनको आज के आज ही फैक्ट्री लगवा दे। निकाल दो सबके लिए चाय। हाँ अरे भाई ये दोनों अगर हम बड़ों में बैठ के चाय पियेंगे तो बोर हो जाएंगे ना। तुम दोनों ऐसा करो कि बाहर लॉन में जाके चाय पी लो, बातें भी करना। अम्मा। हाँ ठीक कह रही है। नुजुत दो कप लॉन में लगवा दो चाय। अस्रा जाओ बेटा। ये सब सर्टिफिकेट्स ट्रॉफीज सब आपकी हैं? जी सारी की सारी। सारी की सारी। आप कुछ पूछिए ना। जी आपको अदब में दिलचस्पी है? बस कर लेता हूँ अपने बड़ों का। हो और स्पोर्ट्स? हाँ संडे के संडे खेलते हैं हम। एक्चुअली मेरे भतीजे हैं उनके साथ, अब वो भी उनकी जिद पर। फिर तो आप हर दूसरे दिन घर पे वर्ल्ड कप लाते होंगे। कहाँ, पहली बार में ही आउट हो जाता हूँ मैं। क्लीन बोल्ड। ये तो बड़ी नाइंसाफी है आपके साथ। पोइट्री में इंटरेस्ट है आपको? मतलब शायरी, ग़ालिब, फराज? जी नहीं बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली वहशत सी होती है मुझे शायरी से। बस एक ही फराज को जानता हूँ जो मेरे मामू का बेटा है। और आपकी एजुकेशन सिर्फ इंटर ही की आपने? जी मैंने 12 क्लास से पढ़ी, आई मीन इंटर तक। वो अब हमारा खानदानी बिजनेस है और बचपन से ही बाबा के साथ उनकी फैक्ट्रीज में जाता था। बिजनेस तो हमारे खून में। आर्ट्स या साइंस? सिर्फ फाइनेंस। बहुत अच्छा, जबरदस्त। यानी कि सिर्फ इंटर किया और शादी करने चल पड़े। वेल आई थिंक ये मुलाकात यहीं खत्म हुई, अब हमें अंदर चलना चाहिए। चलें। मुलाकात खत्म हो जाने से ताल्लुक और रिश्ते खत्म नहीं हो जाते, अगर किस्मत में हो तो। मुझे पता है मैं आपका आइडियल नहीं हूँ, लेकिन
आप मुकम्मल तौर पर मेरी आइडियल हैं। आप एक समझदार और खूबसूरत लड़की हैं जिसे ये मेडल्स शेडल्स या किसी भी ट्रॉफी की जरूरत नहीं। आप अपना तारुफ आप हैं। थैंक यू, मेरी तारीफ करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन इस तारीफ के बाद भी मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। कितना खूबसूरत बोलती हैं आप। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, अंदर सब इंतजार करेंगे। प्लीज आफ्टर यू। May I help you? सर अब हमें यहां से चलना चाहिए। अरे इतनी जल्दी क्यों बेटा, कोई बात हुई है क्या? शायद मैं आपके बहन का आइडियल नहीं। अगर आपको अपनी बहन के आइडियल डिमांड्स का पता था तो हमारी फैमिली को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? अब यहाँ से मैं कॉम्प्लेक्स और कुछ परेशानियां लेकर जा रहा हूँ अपने साथ। तुम्हें असरा अच्छी नहीं लगी क्या? मुझे आपकी बहन बहुत अच्छी लगी, शायद मैं उसे पसंद नहीं आया। इन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, बहुत प्यार से, बहुत इखलाक से और बहुत खूबसूरत दलाइल देकर। अगर किस्मत में हुआ तो फिर मिलेंगे। शायद कुछ अरसे बाद इनकी पसंद बदल जाए या मैं बदल जाऊं।